तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ इंस्टाग्राम के नए अपडेट के बारे में, या फिर बोल सकते हैं इंस्टाग्राम के 5 नए फीचर के बारे में जो कि अभी रिसेंटली रोल आउट कर दिए गए हैं। यह फीचर कुछ नॉर्मल यूजर्स को भी आ गए और बीटा यूजर में तो रोल आउट हो ही चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आगे, मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ 5 नए फीचर के बारे में। यहाँ पर मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि आप इजीली समझ सकें। तो सबसे पहला फीचर जो दिया गया है वो है लेआउट को लेके। यहाँ पर इंस्टाग्राम का लेआउट अब थोड़ा चेंज हो चुका है। अगर अपडेट कर लिया होगा तो आपको भी दिख रहा होगा कि ये लेआउट चेंज हो चुका है। ये सबको नॉर्मल यूजर को भी मिल गया है। अगर नहीं अपडेट करा होगा तो आपको नहीं मिल रहा होगा, तो पहले अपडेट कर लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर, ये मेरा लेआउट चेंज हो चुका है। लेआउट में क्या चेंज हुआ है, जो आपको रील्स वाला सेक्शन जो बीच में मिलता था नीचे की तरफ, वो आपको अब राइट हैंड साइड में, वो आपको राइट हैंड साइड आपको यहां पर मिल रहा होगा। आप देख सकते हैं ऐसा आपको यहां पर मिल रहा है। और अगर आप आगे देखें तो नीचे की तरफ आपको एक प्लस वाला आइकन भी मिल रहा होगा, जो आपको पहले ऊपर मिलता था, अब आपको प्लस वाला आइकन नीचे मिल रहा है। और उसके बगल में आपको एक शॉप वाला ऑप्शन रहा था, पर वो शॉप वाला ऑप्शन वहां से हटा दिया गया है। अगर आप होम स्क्रीन वाली फीड पे आएंगे तो आप देखेंगे जो नोटिफिकेशन वाला आइकन है जो आपको नीचे मिलता था, वो ऊपर की तरफ चला गया है। मैसेज के बिल्कुल बगल में आप देख रहे होंगे, मैसेज के बिल्कुल बगल में आपको वो दिख रहा है। तो सबसे पहला चेंजेस यही है कि यहाँ पर लेआउट को चेंज आउट किया गया है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जो सेकंड फीचर बताने वाला हूँ वो है इंस्टाग्राम रील्स को लेके। अगर आप इंस्टाग्राम रील्स शेयर करते हैं तो यह फीचर आपके लिए बहुत ही कमाल का है। दोस्तों जैसा कि बता होगा, आपने अगर इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट को शेयर करा है और आप उसको पिन कर सकते हैं ताकि जिसमें सबसे ज़्यादा रीच हो वो पोस्ट आपका सबसे ऊपर दिखे, तो ऐसे ही अब आप अपने रील्स में भी कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, आपकी जो रील्स, आपकी जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में रील्स गई है, सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए, आप उसको पिन कर सकते हैं ताकि लोग उसको जब आपकी प्रोफाइल में आए तो सबसे पहले उनको वही वीडियोज़ दिखें। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये इस तरीके से फर्क करता है। उसको लगाने के लिए आपको करना क्या होगा, पहले पोस्ट वाले सेक्शन में जाना होगा, उस रील्स में जाना होगा, फिर 3 डॉट्स पे क्लिक करना होगा, वहां पर आपको मिल जाएगा रील्स पिन करने वाला ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट जो बताने वाला हूं वो है, तो तीसरा फीचर दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया है वो है अवतार को लेके। दोस्तों जैसा कि आपको बता होगा, व्हाट्सअप पे भी आप अवतार क्रिएट कर सकते थे, ऐसे ही फेसबुक पे भी आया था, आपको इंस्टाग्राम पे भी मिलता था कि आप इंस्टाग्राम में अवतार वाली फोटो अपनी प्रोफाइल पिक पे लगा सकते हैं। ऐसा आपने भी लगाया होगा, बहुत सारे लोगों ने लगाया, बट एक्चुअल में उसको देखेंगे कैसे वो उस बारे में बताने वाला हूँ। ये नया अपडेट आया है, आप वहाँ पर ईजिली देख सकते हैं कि किसके प्रोफाइल में वाला फोटो लगा हुआ है अवतार वाला, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे वो आपको हाई करके भी बता रहा होगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से आप उसको देख पाएंगे। तो थर्ड फीचर ये दिया गया। उसके बाद दोस्तों, फोर्थ फीचर तो बताने वाला हूँ, वो भी बहुत कमाल का है, वो है इंस्टाग्राम रील्स से रिलेटेड। अगर आप अपने इंस्टाग्राम रील्स पे अगर रील्स शेयर करना चाहते हैं तो होता क्या है, आपको तुरंत ही शेयर करना होता, आपको शेड्यूल वाला ऑप्शन नहीं मिलता, बट अब यहाँ पर आपको शेड्यूल वाला ऑप्शन मिलने लगा है। आप अगर जब इंस्टाग्राम रील्स को शेयर करने जाएंगे, वहाँ पर शेयर करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नीचे आपको एडवांस सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप एडवांस सेटिंग में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा शेयर दिस रील्स करके ऑप्शन, सॉरी आपको वहाँ ऑप्शन मिलेगा शेड्यूल दिस रील्स करके ऑप्शन, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। उस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने हिसाब से डेट टाइम सेट कर सकते हैं और उस डेट टाइम पे ऑटोमेटिक वो अपलोड हो जाएगा। तो ये फीचर भी बहुत कमाल का है, बट ये वाला फीचर मेरे एंड्रॉइड पे नहीं मिला, मुझे आईफोन पे मिला है, वो भी नॉर्मल यूजर पे, कोई बीटा यूजर नहीं है, नॉर्मल यूजर पे मिल गया है। और एंड्रॉइड पे मैं बीटा चला रहा हूँ, बट बीटा पे मुझे अभी तक नहीं मिला। तो फोर्थ फीचर ये था। उसके दोस्तों, फिफ्थ फीचर है यहाँ पर शेयर प्रोफाइल का। अब आप बहुत ही इजीली अपनी प्रोफाइल को शेयर कर सकते हैं ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिले और आपकी प्रोफाइल भी ग्रोथ करे। तो आपको सिंपली आपके प्रोफाइल वाले सेक्शन पे नीचे शेयर वाला प्रोफाइल वाला ऑप्शन मिलेगा, जैसे उस पर क्लिक करेंगे एक बार कोड जनरेट हो जाएगा और बार कोड को स्कैन करके आप इजीली अपनी प्रोफाइल को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों ये 5 नए फीचर थे जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें मेरी कुछ कमी है तो वो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों।